हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल डी स्टडी सेंटर में मैं दिव्या आज हम बात करने वाले हैं अल्सर के बारे में कि अल्सर क्या है यह किन कारणों से होता है ऐसी आप कौन सी गलतियां करते हैं जिसके कारण अल्सर हो जाता है और इसके लक्षण क्या हैं अगर आपके शरीर में अल्सर हुआ है तो कौन कौन से सिस्टम्स दिखेंगे आपके शरीर में जिससे आप पता कर पाएँ कि आपको अल्सर हुआ है और अल्सर में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्सर क्या है तो अल्सर एक पाचन प्रणाली से जुड़ा हुआ रोग है यह पेट में होता है और पाचन प्रणाली से जुड़ा हुआ रोग है तो यह खाने की नली में भी हो जाता है यह या छोटी याद के शुरू के हिस्से में ड्यूडिनम में जख्म जैसा बन जाता है तो यह पेट में भी होता है खाने की नली में भी होता है और छोटी याद के शुरुआत ड्यूडिनम में भी होता है आइए अब हम देख लेते हैं कि इसके कारण क्या हैं आखिर में अल्सर किन किन कारण से होता है तो आइए देखते हैं अधिक मानसिक तनाव के कारण भी अल्सर हो जाता है अगर आप ज़्यादा चिंता करते हैं क्रोध करते हैं और ज़्यादा टाइम तक आप अगर परेशानियों में घिरे रहते हैं तो यह भी कारण है और आप मिर्च मसाले वाली चीज़ें अगर ज़्यादा खाते हैं तो इसके कारण भी अल्सर होता है अगर आप अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं बीड़ी सिगरेट तम्बाकू जो भी नशे वाली चीज़ें होती हैं अगर आप उसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो यह भी अल्सर होने के कारण हैं अगर आप ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो इससे भी अल्सर होता है अत्यधिक ठंडी और अत्यधिक गर्म चीज़ खाने से भी अल्सर होता है तो आप इस बात का ध्यान में रखें कि कोई भी चीज़ ज़्यादा ठंडी हो तो ना खाएँ और कोई भी चीज़ ज़्यादा गर्म हो तो ना खाएँ और खाली पेट दर्द की गोलियाँ जो हमेशा खाता है मतलब एक आदत बना लिया है दर्द हो रहा है तो खाली पेट ही गोली खा रहा है अपने मन से बिना डॉक्टर से मिले तो इसके कारण भी अल्सर होता है तो आपको जब भी दर्द हो या फिर जो भी वैसी दवाइयाँ आप खाते हैं डॉक्टर से मिलने के बाद ही खाएँ तो ज़्यादा मात्रा में खाली पेट दवाइयाँ भी ना लें इससे भी अल्सर होने की संभावना होती है और होती भी है तो आइए अब हम देख लेते हैं ये हमने जान लिया कि किन किन कारणों से अल्सर होता है तो आइए हम देख लेते हैं कि इसके लक्षण क्या है कि आपके शरीर में ऐसी क्या चीज़ें दिखेंगी जिससे आप पता कर सकें कि आपको अल्सर है तो आइए देखते हैं अगर आपको अल्सर हुआ है तो छाती व नाभि के ऊपर के भाग में खाली पेट या फिर खाना खाने के बाद आपको जलन होगा और इसमें आपको दर्द भी होता है बेचैनी सी फील होने लगती है और उल्टी होने की इच्छा होती है अगर उल्टी हो जाती है तो इसमें क्या होता है आराम मिलता है और खून की भी उल्टी होती है अगर ज्यादा मात्रा में अल्सर है अगर आपके पेट में तो इससे उल्टी भी खून की होती है और आंतरिक रक्त स्राव के साथ साथ काले मल का निकलना भी होता है ये सारे लक्षण हैं तो आप इसको जान लें आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या चीजें खानी चाहिए और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए अल्सर में अगर आपको अल्सर हुआ है तो दिन में पाँच से छह बार भोजन थोड़ा थोड़ा खाएं ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप ज्यादा खाना खा लें ऐसा बिल्कुल भी ना करें थोड़ा थोड़ा खाना पाँच से छह बार खाएं क्योंकि खाना पेट में जाता है और अल्सर पेट में हुआ हो या फिर आहार नाल में हुआ हो या फिर आपको छोटी याद के शुरुआत में ड्यूडिनम में हुआ हो तो इसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पाँच से छः बार दिन में खाना खाना है और आप क्या कर सकते हैं ठंडा दूध एक एक कप की मात्रा में दिन में सात से आठ बार घुट घुट कर पिए इससे भी आराम मिलता है और हम देख लेते हैं कि क्या चीजें आप खा सकते हैं तो भोजन में आप दूध ले सकते हैं दलिया खा सकते हैं चपाती खा सकते हैं बिस्कुट खा सकते हैं टोस्ट खा सकते हैं चावल मूंग की दाल खा सकते हैं साबुन खा सकते हैं खिचड़ी मक्खन मलाई का सेवन आप कर सकते हैं इससे भी आराम मिलता है और हम फल में देख लेते हैं कि आप अंगूर खा सकते हैं पका केला खा सकते हैं सेब खा सकते हैं गाजर खा सकते हैं और मुरब्बा भी खा सकते हैं और आप प्रोटीन वाली चीजों में आप दाल ले सकते हैं अंडा ले सकते हैं और पनीर ले सकते हैं याद रखें ज़्यादा मिर्च मसाला डाल करके चीजें ना बनाएं सिंपल ही बनाएं अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे हमें नहीं खाना चाहिए तो अत्यधिक ठंडी और गर्म चीज ना खाएं इसे अल्सर होने के चांस होते हैं अगर अल्सर हुआ है तो आपका अल्सर बढ़ सकता है तो अत्यधिक ठंडा और गर्म चीज का सेवन बिल्कुल भी ना करें और अत्यधिक भोजन ना करें ऐसा नहीं कि दिन में एक से दो बार ही खाना खा लें खूब ज्यादा खाना एक बार में खा लें ऐसा ना करें खाने को पाँच से छह बार दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा करके खाएं जो आप एक बार दो बार में खाना खा रहे हैं उसी खाने को आप कई पार्ट में डिवाइड करके खाएं तो इससे भी आराम मिलता है और गर्म भोजन जल्दी ना खाएं अगर आपका खाना ज्यादा गर्म है तो इससे भी ना खाएं मतलब खाने लायक रहने दें ऐसा नहीं कि खूब गर्म गर्म खाना खा लें ऐसा भी ना करें खाना मतलब ठीक हो गरम हो जो आसानी से खाया जा सके इस तरीके से खाना खाएं मिर्च मसाले वाली चीज़ें आप ना खाएं ज़्यादा हरी मिर्च या फिर ज़्यादा लाल मिर्च का सेवन भी आप ना करें ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों का सेवन ना करें ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें इससे भी नुकसान होता है और एक बार में अधिक दूध भी ना पिए इससे भी नुकसान होता है ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में ज़्यादा दूध पी लें ऐसा ना करें दूध को भी कई पार्ट में दिन भर में कई बार पिए इससे आराम मिलता है और तली भूली चीज़ें भारी भोजन फास्ट फूड वाली चीजें आप ना खाएं इससे भी नुकसान होता है तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि अल्सर क्या है इसके कारण क्या हैं इसके लक्षण क्या हैं और इसमें क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फैमिली फ्रेंडों में भी शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो भी लिख बताइएगा हम आंसर करने की कोशिश करेंगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत